हेलो दोस्तों, स्वागत है मंजूपाल ब्लॉग में। यहाँ आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहे हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हुई हो, खूब खुश हुई हो, मगन हुई हो और फैमिली के साथ मस्त हुई हो। तो बहुत ही बढ़िया बात दोस्तों, खुश रहबो चाहिए, हैप्पी रहबो चाहिए और बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आज है तो संडे, तो यो दोस्तों संडे का मेरा ब्लॉग है, तो संडे का या संडे स्पेशल ब्लॉग है। तो दोस्तों आप सोच रहे हो यो मन जो तो पहली बार जो का कर रहे हैं, घिसी रहे घसर घसर। तो दोस्तों हाँ सच्ची मैया हम कुछ घिस रहे हैं। अब तुम्हें काम बताइए आज हमारो ऐसो कुछ बहुत सच्ची मैया। आज का दो तीन दिन से बोल रहे ना, एक तो ठंड इतनी हुई रही, घर से निकलीबे कह रही माँ वो है नहीं हुई रही, कहा हम तो जाइए नहीं हस्बेंड ले आती करे सब्जी वगैरह जो भी है लेबे कहीं, तो अब के जा ही नहीं पाए। और भैया लोग यहाँ बेचना होते थे वही उन्हें आए, वही जैसे यहीं ले लिए जाते मोहर मतलब गेट पर यहाँ आ जाती थी तो वही उन्हें आए। तो वह जो हमारा कुछ नहीं है तो बनाई बिकले दोस्तों। तो हम सोचे चलो का कहना आज हम चटनी बनाई रहे बताई रहे। तो है पत्थर पर हम घिस रहे हैं सिलौटी पर, यहाँ सिलौटी लोहड़ा हम घिस रहे हैं चटनी दोस्तों। तो हम सोचे चलो चटनी आज का कहना चटनी बनाई जाए। और चटनी जो है दोस्तों बढ़िया बनाबो, चटनी अच्छी लगती है ऐसी बात नहीं है। तो चटनी हम काहे के बना लेने बहुत जरूर बताइबो हम तुम्हें। तो हम घिस चटनी हम सोचे आइडिया चलाओ हम कहे चलो चावल डाल लीबो और खइबो चटनी और चावल। अब कम से कम सालों से नहीं खाए जाओ तब भाई गाँव देहाती में खूब खाओ जाती करे, शहरों में खाओ तो खइबे वाले खाती है। तो दोस्तों एक बार घिस रहे आते नो तो घिसते घिसते हम रुकी गए नु काया कहीं हमारे तिहा टमाटर कम आते। तो टमाटर कम आते कहीं टमाटर ते कहाँ लगे ना टमाटर तो कहीं मतलब चटनी में जितने टमाटर रही है उतना ही बढ़िया रही है। तो एक टमाटर वो तो हम सोची ना ऐसे जैसे उधर ही पास में हमारे सब्जी वाले जैसे दुकान पर मिल जाती तो उन्होंने तो वहाँ दो किलो टमाटर लेने चले गए। तो हम कह जाओ भैया तुम तले टमाटर ले आओ तले हम पनो आगे काम बढ़ाई ले का है बीच में यहाँ रुकिए। तब तो हमें पार चले आने तन झाड़ू लगाई हुए कहीं आती साफ सफाई हम कह जाए काम कर ली वह झाड़ू लगाई रहे तेन। तो झाड़ू लगाई के रे हमको जल्दी जल्दी कर ली वो जले तुम आइए वही हो तले हम बैठे रहे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे तले भाई हमारो काम आगे के बढ़ाई बचाई कि नहीं बढ़ाई बचाई। अब काम तो मैं करीबे यही तो फटाफट अपन कर ही लो जो आई। अब वो एक सारा बैठे रात न कब तुम आबो कब हम बना मैं कब तुम आबो जे को सारा तो हम कहला वो झाड़ू ही अपने छत पर लगाई ले जाए कह रहे जरूरी हो दोस्तों साफ सफाई जहाँ रहो भाई सफाई तो सबसे मेन चीज़ होती। काफ़ी दिन हुई वो मैंने यहाँ लगाई नहीं आती वैसे आप सोचियो कि लगौती नहीं लगाइती है ना ऐसी बात नहीं है। हमने काफ़ी दिन हुई वो एक ब्लॉग हमने नहीं बनाओ पहले काफ़ी बनाओ करिए इतने झाड़ू लगे इतने छत पर जैसे सब बनाओ करिए इतना कि काफ़ी दिन हुई गो हमने नहीं बनाओ तो सफाई गंदो हुई गो। तो हम कहला बस साफ कर ले भाई ठीक है तले ही नहीं सब भाई हम छोड़िया नीचे बस चले गए टमाटर लेने हम कहीं भाई ले आओ भैया तुम टमाटर अब जब तक आइयो लेके तल अपन ही पारो काम करें। और बताओ दोस्तों बढ़िया आओ ना बस जय बात आई ठंड ज़्यादा होने लगी है ठंड के मारे बुरा हाल हुआ ठंड नहीं है तो इलाज दो कतई है और तुम्हारे यहाँ होती है कि नहीं होती पता नहीं। तो यही पार हमारी लग गई दोस्तों झाड़ू और अब हम जाइबो नीचे फटाफट वो है हम चटनी तैयार करीबो जाए के बाद दोस्तों आज खाना पीना हमारा लेट हुई गो वही के बाद बनाई के रहे फिर हम खइबो और बनेबो दोस्तों चटनी के संग में यहाँ बनेबो हम चावल और कुछ नहीं बनेबो चटनी और चावल। तो हम जल्दी जल्दी कर ले दोस्तों जय का। तो दोस्तों हम कबके आ चुके हैं नीचे और नीचे आई के रहे फिर हम का बटन लेंगे वही के बाद में दोस्तों हम डरीबो चावल तनी चावल डरीबो चावल के संग खइबो चटनी चावल। अब का है दोस्तों कोई सब्जी नहीं आती कतई ना आई कुछ ना तो आलू ना हो जाती है ना कबो कबो वैसो कोई जरूरी नहीं हर एक चीज़ मतलब हर रोज मतलब बनिया रहा है। तो हम सोचे चलो कोई बात नहीं सब्जी फिर आज संडे है तो फिर तो मतलब एक बाद में सुबह सुबह शाम के टाइम भले मतलब मंडी जाओ और लगा सुबह 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 भाई पहुँच नहीं पाओ तो वह एक घिस ही रहे और वह आप लोग बने रहिए पूरा जरूर देखियो दोस्तों लास्ट तक। तो जय माँ सच्ची मैया बतावे तुम्हें ऐसी लट जैसे करके दांत होती करे ना तो जल्दी जल्दी घिस जाती और जय कोई इस्तेमाल आप सोचियो कि मिक्सी तो वही है तो हमारे यहाँ भाई हमारे हस्बैंड वही मिक्सी की नहीं चटनी नहीं बढ़िया लगती भाई कहीं बनाओ तो बनाओ सिलबट्टा पर बनाओ नहीं तो रान दो। और तो सिलबट्टा जो हमारा जो है बढ़िया वालों ना ये दोस्तों
जो ऐसो ही बहुत मतलब बेकार है। जैसे घर के गांवन में खूब बढ़िया मिन जाती करे और पत्थर खूब बढ़िया आती करे बेचन सिलबट्टा ले ले। अब तो पहले तो भाई चकिया बेची जाती थी, अब कौन चकिया लेती भैया कोई पीस कौन पीसत कोई नहीं पीसती। और चाहे गाँवन भैया का नहीं कह सके थे वह पीसते ही ऐसी बात नहीं हम जैसी हैं भैया जो अपनों बच्चा टिचाती वही तभा कर ही लेती हुई काती हुई का थोड़ा बहुत बचिए जाए। दोस्तों कुछ नहीं है जिंदगी में यहाँ सब वैसे ही है, बचाऊते बचाऊते कमाते कमाते पूरी जिंदगी बीत जाती है कुछ नहीं। तो जय पर पीसी रहे दोस्तों आप लोग बने रहिए पूरा जरूर देख लियो। हाँ ठीक है जइयो ना तो कैसे देखो चटनी या घिसत घिसत का घिसी पाई कि नहीं घिसी पाई। तो वही में दाँत ही नहीं यही में जो सिलबट्टा है दोनों में नहीं लोढ़ों में नहीं दाँत गाँव में नहीं दाँत है। और दाँत जैसे घर के हमारे यहाँ आते ना हमारे गाँव में ही हमारे पापा जैसे हमारे सब लोग अपने आप ही कर लेते थे पता नहीं छेनी लेके हथौड़ी लेके कट कट कर लेते थे। बढ़िया वाली सिलबट्टा होती जही मत कन जे तो फूटी जही बढ़िया नहीं होती। तो बनाए चलो बनाई हूँ पर बोलती ना जो चीज़ रोज रोज खाओ बढ़िया नहीं लगती। अब भाई महीना में कौन साल दाई महीना मतलब एक कदाई खाइब का मिल गई फिरता हुआ कैसे वो बढ़िया लगती करे। और चटनी बड़ा मस्त लगती तो हम बता ही नहीं काहे काहे की बनाई तो बताओ ही नहीं है। तो दोस्तों हमने लो तो हरो धनियो और हरा मिर्चा और टमाटर तो जई हमने डारी करे तीन ही चीज़ डारी थी ये है कि चटनी बहुत बढ़िया जइए डारो तीन चीज़। और भाई मिर्चा तो जैसे अपने हिसाब से रखाती हो वैसे बहुत बढ़िया चटनी लगती बनाई के रखियो तो पर अच्छी लगती है। पर हाँ मिक्सी से बताऊँ तुम्हें मिक्सी और सिलबट्टा वाली चटनी में बहुत अंतर हो जाती। मिक्सी वाली उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी सिलबट्टा वाली लगत जैसे घर का सिलबट्टा पर हम पीसी रहे जा बढ़िया लगी और मिक्सी वाली बा बढ़िया नहीं लगती स्वाद पता नहीं कैसे चेंज हो जाती जो समझ में नहीं आती करे मतलब सिलबट्टा की बड़ी अलग स्वाद हुआ होती और मिक्सी वाली करो अलग स्वाद हुआ होती। तो जय पार बनाई रहे दोस्तों। अब जय सब जने हमारे है नहीं है मतलब हाई सब जने आस पास है सब फैमिली पूरी हमारे संग में आज का संडे है ना छुट्टी है तो शाम मतलब ये टाइम बताऊँ मैं तुम्हें टाइम तो बताइए नहीं आज लेट हुई गई तो हमें तुम्हें टाइम बताई दें। टाइम दोस्तों 2 बज रहे हैं तो हम सोची का है कि ना चलो बनाई ले रहे हैं। और दोस्तों और बताओ भाई आप लोगों के लिए हेल्प चाहिए तो आप लोग सोचियो कि हेल्प किस चीज़ के रही तो हेल्प जाए दोस्तों पूरा वीडियो देखो करे आप लोग और आप लोग बने रहो और नए नए फ्रेंड और जोड़ी दो तुम्हारे कोई हो जानी पहचान के दोस्त हो जब तुम्हारे कोई हो उन्हें शेयर कर दे करे हमऊ को बढ़िया लगी और हमऊ को तनिक मतलब कुछ मिल जाइए सपोर्ट तो जय बात है दोस्तों। और आप लोग बोलते करे इंस्टाग्राम आईडी पूछन लगती हमारे दोस्त बहुत कहते इंस्टाग्राम आईडी अपनी बताई दो काम में हम चलाती हो कि ना तो इंस्टाग्राम आईडी हमारे दोस्तों बहुत मिल जाइए जरूर है कोई कोई कनाई मिलते तो हम बताई दीबो चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी हमारी लिख लो और फॉलो जरूर कर लियो। तो इंस्टाग्राम आईडी हमारे दोस्तों है 358358 ठीक है इंस्टाग्राम आईडी हमारी 358 तो आप जरूर फॉलो करियो और हम मिलिए तेन बहुत बढ़िया ब्लॉग के साथ हम यहाँ और अबो आप लोगों से रे प्यारी प्यारी बातें करबो और आप लोग अपनों ध्यान रखो। अब सबसे मेन बात फैमिली के अपने लड़का बच्चा ठंडी चल रही है कपड़ा अपड़ा पहना के रखो खूब। तो दोस्तों हम मिल रहे हैं बहुत बढ़िया ब्लॉग के साथ हम यहाँ नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ मिलीबो और जो ब्लॉग हमारे दोस्तों नाइट में जाइए तो गुड नाइट तो बनता ही है आप लोगन कहियाँ तो आप लोगन कहियाँ दिल से गुड नाइट। और हाँ अपनों ध्यान जरूर रखिए हम बेरी बेरी जे बोलिए तेन हमारे दोस्त सही रही तब तो वीडियो देखो जाइए और दोस्त सही नहीं रही तो वीडियो हमारे फिर कौन देखिए। तो अपनों ख्याल रखो ध्यान रखो हमारी चटनी बनी गई जा देखो लोढ़ा उठाओ हमने और उठाई के रे भैया हम तो चले पड़े तुम जाई रहो का जाओ भाई खाओ पियो जाई के रे और हम जाई का लोढ़ा फोड़ा धोई ले जाए के लोढ़ा धोई के रख ही देंगे हम भैया जल्दी जल्दी बनाव खाई पिए लेट हो गई भूख बहुत जोर लगी। तो बाय बाय गुड नाइट।